अभी आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं जब वापस आऊंगा, सरकार हमारी आएगी, तो वो जेल में जाएंगे। तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि गुजराती बिहारियों को धमका नहीं सकता है, जब तक मैं बेड रेस्ट नहीं लूंगा, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेड रेस्ट नहीं ले लेते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार करके आप राज्य के नाम के पीछे छिप जाएं, कईयों को अपनी जात याद आ जाए, कोई अपने उसकी बात करे, तो अपने आप में स्पष्ट नजर आता है कि ये कैसे जात का उपयोग कभी वोट के लिए करते हैं, कभी अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए करते हैं। और यही दुर्भाग्य है कि इन्होंने जब सत्ता में थे तब रेलवे में जमीन के बदले जॉब दिया और ये भ्रष्टाचार किया, उसमें अधिकतर लोग इनके अपने ही कास्ट के हैं। क्या तब इनको बिहारी याद नहीं आए, तब इनको यादव याद नहीं आए, तब इनको अपने साथ लगते जो इनके सहयोगी हैं वो याद नहीं आए, उनसे पैसा क्यों लिया गया? तो ये मामला भ्रष्टाचार पर आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इनको जेल जाना पड़ेगा। उधर तेजस्वी कह रहे हैं कि गुजरातियों से हम डरने वाले नहीं हैं, गुजराती वर्सेस बिहारी पर ये आखिरी चरण की लड़ाई आ गई है,